शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 68.29% लोगों ने मतदान किया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्का पहने दो लड़कियों को महिला पुलिसकर्मियों ने थप्पड़ मारा और गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इन महिलाओं से बुर्का पहनाकर फर्जी वोटिंग करवाई गई। इस वीडियो को इसी दावे के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने शेयर किया है। फ्रंटल फोर्स नाम के वेरिफाइड यूजर ने लिखा, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करती पकड़ी गई महिलाएं, यही कारण है कि विपक्ष बुर्का हटाकर पहचान की जांच नहीं करने को कह रहा है। और ऐसे ही कई यूजर्स ने इस वीडियो को काफी शेयर भी किया है। अब वीडियो का सच जानने के लिए हमने इसके की फ्रेम को गूगल कर रिवर्स सर्च किया। सर्च करने पर हमें यह वीडियो ट्रोल इंडियन पॉलिटिक्स नाम के फेसबुक पेज पर मिला। यह वीडियो फेसबुक पेज पर 15 फरवरी 2022 को शेयर किया गया था। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, यूपी इलेक्शन 2022 रामपुर में पुलिस ने फर्जी वोटिंग की कोशिश में बुर्का पहनी महिलाओं को पकड़ा, पीटा और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। खैर, पड़ताल के अगले चरण में हमने इससे जुड़े कीवर्ड्स को सर्च किया। सर्च करने पर हमें इस मामले से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। 14 फरवरी 2022 का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरे चरण के मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग करते हुए बुर्का पहने हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों महिलाओं के नाम मुस्कान और रानी बताए गए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया गया ये दावा पूरी तरह गलत और फर्जी है। ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान का है। तो ऐसे ही फेक न्यूज़ को अवॉइड करें और इसे शेयर ना करें, और आप देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।